चलिए तो हम लोग बात करेंगे आज बिहार के बारे में, बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके फिर चाहे बिहार PCS हो या फिर बिहार के अन्य एग्जाम हो, वहाँ इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। तो सबसे पहले हम लोग बिहार की मैप्स में स्थिति देखते हैं, आखिर बिहार भारत की मैप में है कहाँ। ये आपका मैप्स है भारत का पूरा, तो देखिए ये आपका श्रीलंका है, नीचे म्यांमार हो गया, और भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश से आपकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भारत की, नेपाल, ऊपर तिब्बत, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, ये आपके POK वाले हिस्से की सीमा आपकी अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है, सबसे कम अफगानिस्तान से। देखिए ये नया राज्य हो गया आपका जो लद्दाख बना हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन द्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन द्वीप ये साथ में एक हो गए, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये लक्षद्वीप हो गया आपके, माही, पुदुचेरी, कवरत्ती, तिरुवनंतपुरम, पुदुचेरी यहाँ भी है, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पहले झारखंड और बिहार एक हुआ करते थे, लेकिन बाद में आपका बिहार से अलग करके झारखंड बना दिया गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इसके बाद ये आपका सिक्किम है ऊपर, ये आपका असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये हो गए आपके सभी राज्य। अब हमें बात करनी है आपके बिहार के बारे में आज, किसके बिहार के बारे में। याद रखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका राज्यों से क्वेश्चंस गलत ना हो, तो आप एक बार सभी राज्यों को क्रम से रट लें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब करक रेखा के बारे में पूछता है या फिर मानक समय रेखा के बारे में पूछता है, तो आपको मैप से याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैप से याद होना चाहिए, तब आप बता पाएंगे कि देखिए ये है सामने जा रही है। जैसे करक रेखा की आप बात के लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से गुजर कर जाती है आपकी करक रेखा, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी उसकी बात करें मानक समय रेखा की, तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपकी आंध्र प्रदेश से होकर हो जाए, 4 राज्यों से, ठीक है। एक बात यहाँ बता दें आपको कि बिहार, ये है आपका बिहार, एक मिनट रुकिए, बिहार, बिहार की ये है बिहार की स्थिति, बिहार आपका उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, झारखंड से भी इसकी सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल से, ऊपर नेपाल से सीमा लगती है इसकी, किससे, नेपाल से लगती है, और आपका असम से भी इसकी सीमा लगती है, देखिए ये है, सॉरी असम से नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है आपका पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी पटना है। चलिए इसके बारे में हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, हम क्या देखते हैं पॉइंट, इनको रट लीजिए आप लोग, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, पूछे जाएंगे, जो राज्य बिहार हो गया, इसकी राजधानी पटना हो गई, वर्तमान स्वरूप 1956 में सीमाओं में परिवर्तन करके आया था, और वर्तमान राज्य की अगर बात करें तो आपको मालूम होगा झारखंड अलग होने के बाद 15 नवंबर 2000 में ये बिहार राज्य आया वर्तमान स्थिति, क्योंकि झारखंड 2000 में अलग कर दिया गया और बिहार से आपके, ठीक है। नामकरण की बात करें तो 12वीं शताब्दी के अंत में उदंतपुरी के समय बौद्ध बिहारों की बहुसंख्या के कारण क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, जो कालांतर में आपका बिहार हो गया, पहले बिहार था फिर उसके बाद बिहार हो गया। अगर उसके महत्व की बात करें तो भगवान बुद्ध, 24 जैन तीर्थकरों, ऋषि मुनियों, अनेकानेक प्रमुख व्यक्तियों की कर्म भूमि रही है बिहार, जन्मभूमि के लिए महत्वपूर्ण भी है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बिहार की भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 10, उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश थे, और अगर हम लोग देशांतर की बात करें पूर्वी, तो ये 83 डिग्री 19 पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत थे आपका, ठीक है, याद रख लीजिए।
अगर हम लोग बिहार के उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण, तो ये 362 किलोमीटर है। और यहाँ से अगर पूर्व से पश्चिम तक की बात करें, पश्चिम से सॉरी पूर्व से यहाँ तक की बात, तो ये 483 किलोमीटर है। तो याद रखिए उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार 382 है और पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार 483 है। कितना? 483। अगर सीमा की बात करें हम लोग, तो उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश लगता है। 1, 2, 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। अगर हम लोग भू आकृति की बात करें, तो बिहार गंगा एवं सहायक नदियों का मैदान है। यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, जिसमें सरयू, गंडक और गंगा आदि नदियाँ बहती हैं आपकी। अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है आपका बिहार। अगर जनसंख्या की बात करें, तो 10,40,99,452 व्यक्ति रहते हैं यहाँ। जनसंख्या की दृष्टि में देश में तीसरा स्थान है आपके बिहार का, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम लोग पुरुषों की बात करें, तो 5,42,78,157 है। महिलाएं इसमें से 4,98,91,295 हैं। अगर हम लोग 2001 से 2011 के बीच वृद्धि की बात करें, तो 25.4% की वृद्धि देखी गई है। 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग की जनसंख्या की बात करें, तो इसमें 1,91,33,964 है। इसमें से बालक आपके 98,87,239 हैं। और बालिकाएं की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें 52,92,46,725 है। अगर लिंगानुपात की बात करें, 0 से 6 वर्ष में तो 935 है। और अगर हम लोग लिंगानुपात वैसे बात करें, तो 918 है प्रति हज़ार, यानी कि प्रति हज़ार पुरुष पे 918 महिलाएं हैं। अगर साक्षरता की बात करें, तो 61.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर पुरुषों की बात करें, तो इसमें 71.2% साक्षरता है। महिलाओं की बात करें, तो 51.5% साक्षरता है। बिहार आपका सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, याद रखिए साक्षरता के मामले में भी। कुल साक्षर व्यक्तियों की बात करें, तो ये हैं आपके 5,25,04,553। इसमें से पुरुष साक्षर आपके हैं 3,16,08,023। महिलाओं साक्षरों की बात करें, तो 2,08,96,530 हैं। लिंगानुपात आपका 918 है, यानी कि 1,000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो आपको सब पता होगा कि जनसंख्या घनत्व यहाँ का सबसे अधिक है राज्यों में, 1,106 है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1,106 लोग व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। कला एवं संस्कृति की बात करें, तो मधुबनी कला शैली, पटना चित्रकला शैली है यहाँ। राजभाषा आपकी हिंदी है। अन्य भाषाओं की अगर हम लोग बात करें, तो उर्दू, मैथिली, मगधी, भोजपुरी शामिल है। दो देखा होगा आपने भोजपुरी मूवी, यहीं बनती है अधिकतर। अगर उच्च न्यायालय की बात करें, तो ये पटना में है। प्रभमंडल 9 हैं, ज़िले आपके 38 हैं। याद रखिए ज़िले बदलते रहते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ हो जाए नया ज़िला बन सकता है, तो याद रखना पड़ेगा आपको। अनुमंडल की बात करें, तो 101 हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। अब जो बदले होंगे 2021 में आपका पता चल जाएगा आपको। प्रखंडों की ब्लॉक्स की बात करें, तो 534 हैं। गाँव की बात करें, तो 44,874 हैं। शहरों की बात करें, तो 139 हैं। और विधानमंडल की बात करें, तो द्विसदनात्मक है, जैसे आपको विधानसभा हो जाती है, विधान परिषद भी हो जाती है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है, ठीक है। लोकसभा सदस्यों की अगर बात करें, तो 40 है। राज्यसभा के सदस्यों की बात करें, तो 16 है। कितनी है? 16। याद रखिए विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16। अगर प्रमुख नगर की बात करें, तो यहाँ आपको मिलेगा नगर देखने को, पटना, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बरौनी, कटिहार, पूर्णिया,
मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, छपरा, सीवान, गोपालगंज। राजकीय पशु की बात करें तो बैल है यहाँ का राजकीय पशु। राजकीय पक्षी की बात करें तो घरेलू गोया है, गोरेया। राजकीय वृक्ष की बात करें पीपल है। राजकीय पुष्प की बात करें कचनार, क्या है कचनार। उसके बाद कृषि, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की आपकी 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ की 80% से अधिक कृषि योग्य भूमि खाद्यान्न पैदा करती है, जिनमें आपने देखा है गेहूं, चावल, मक्का, दलहन, गन्ना, तिलहन, तंबाकू, जूट, आलू की फसल देखने को मिलती है। अगर रबी की फसल की बात करें हम लोग तो ये जाड़े ऋतु की फसल है। इसकी बुआई समय होता है अक्टूबर नवंबर में। इसमें आपका गेहूं मिलेगा, जौ मिलेगा, सरसों, मटर, चना, आलू। खरीफ की फसल ये बरसात की ऋतु है, वर्षा ऋतु की फसल है, ये आपकी जून जुलाई में बोई जाती है। इसमें आपका धान हो गया, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। जायद की फसल ये गर्मी की फसल है, मई जून में बोई जाती है। मकई, ज्वार, जूट देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद चावल, चावल कहाँ कहाँ आपका देखने को मिलेगा, पूर्णिया, मुंगेर, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना। गेहूं की बात करें तो गया, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, सारण, मुंगेर, चंपारण, सहरसा, पूर्णिया। ये चंपारण वही है जहां गांधी जी ने पहली बार चंपारण सत्याग्रह किया था, 1917 की बात है, ठीक है। गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था ये। मक्का ये भोजपुर, सहरसा, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना में देखने को मिलेगा, अधिक खेती होती है। ज्वार की बात करें मुंगेर, भोजपुर, चंपारण में। बाजरा मुंगेर, पटना, भोजपुर, गया। रागी सारण, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। जौ चंपारण, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, सहरसा, सारण, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर। गन्ना, गन्ना की खेती आपकी मुजफ्फरपुर, चंपारण, सारण, पूर्णिया, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा है। चना गया, भागलपुर, पटना, भोजपुर, मुंगेर। जूट की अगर बात करें तो सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, मुजफ्फरपुर। यहाँ के प्रमुख बांध भी बता देता हूँ आपको। चंदन जलाशय है, वधुआ जलाशय। इसकी अगर स्थापना की बात करें चंदन जलाशय की तो 1968 में बना, चंदन नदी पर है और बांका जिला में है। और वधुआ जलाशय 1965 में बना, वधुआ में है, नदी पर है और बांका जिले में है। यहाँ के प्रमुख विश्वविद्यालयों की बात कर लेते हैं। विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना होती है 1917 में। बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय भी बोलते हैं इसे आप लोग, मुजफ्फरपुर में है। 1952 में इसकी स्थापना होती है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में है। 1960 में इसकी स्थापना होती है। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है। 1961 में इसकी स्थापना होती है। मगध विश्वविद्यालय ये बोधगया में है। 1962 में इसकी स्थापना होती है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में है। 1972 में इसकी स्थापना की जाती है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ये आरा में देखने को मिलेगा। 1994 में इसकी स्थापना की गई। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में है। 1990 में इसकी स्थापना की गई। वी एन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में है, ये आपकी 1992 में बनाया गया। मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में है। 1998 में इसकी स्थापना की गई। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में है। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय पटना में है, क्षेत्रीय कार्यालय इसका। 1991 में इसकी स्थापना की गई। नालंदा खुला विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में 1987 में इसकी स्थापना की गई। चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय पटना में 2005 में इसकी स्थापना की गई। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा में है। अगर हम लोग बिहार की चिकित्सा महाविद्यालयों की बात करें तो पटना मेडिकल कॉलेज पटना में देखने को मिलेगा, इसकी स्थापना 1925 में की गई। मेडिकल कॉलेज दरभंगा, इसकी स्थापना 1946 में की गई। ए एन मगध मेडिकल कॉलेज गया में है, 1969 में इसकी स्थापना की गई। नालंदा मेडिकल कॉलेज ककड़बाग पटना में 1970 में इसकी स्थापना की गई। एसके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, 1970 में इसकी स्थापना की गई। भागलपुर मेडिकल कॉलेज भागलपुर में है, इसे आप लोग जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जानते हैं।
1971 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1971 में। आगे है आपका चिकित्सा महाविद्यालय, पटना डेंटल कॉलेज, ये पटना में बौद्ध डेंटल कॉलेज, एक कंकड़ वार्ड पटना में है। अगर प्रमुख इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की बात करें हम लोग, तो मिलेंगे ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पटना, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये पटना में है, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपकी मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगी, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ये भागलपुर में देखने को मिलेगा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर कल्चरल इंजीनियरिंग को पूसा समस्तीपुर में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो इसमें आपका बिहार कृषि महाविद्यालय भागलपुर में देखने को मिलेगा, तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगा। अगर आयुर्वेद महाविद्यालय की बात करें तो ये आपका आयुर्वेद कॉलेज पटना में भी है, तिब्बिया कॉलेज पटना में है, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज भागलपुर में है, शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय में है, महारानी रामेश्वरी महाविद्यालय दरभंगा में है। आपने सुना होगा बेगूसराय अभी चर्चा में था लोकसभा चुनाव में 2019 में, कन्हैया कुमार और जो गिरिराज सिंह हैं, लेकिन गिरिराज सिंह आपके यहाँ से सांसद हैं। अगर विधि महारानी रामेश्वरी महाविद्यालय दरभंगा में, ठीक। अगर विधि महाविद्यालयों की बात करें हम लोग तो TNB लॉ कॉलेज ये भागलपुर में देखने को मिलेगा, SKG लॉ कॉलेज ये मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगा, MM कॉलेज गया में, पटना लॉ कॉलेज महेंद्र घाट पटना में, महाराज कॉलेज आरा भोजपुर, लॉ कॉलेज समस्तीपुर, विधेय लॉ कॉलेज मधुबनी, शिवानंद मंडल लॉ कॉलेज मधेपुरा, MS कॉलेज मोतिहारी में, ठीक है। अगर पशु चिकित्सा महाविद्यालय की बात करें तो ये आपका फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री ये समस्तीपुर में है, पटना वेटरनरी कॉलेज ये पटना में है। ललित कला महाविद्यालय की बात करें हम लोग तो फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट भागलपुर विश्वविद्यालय, न्यू संगीत और शिल्प में डिप्लोमा यहाँ से मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये बार पटना में मिलेगा देखने को, पटना विश्वविद्यालय फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा। आगे है आपका प्रमुख प्रयोगशालाएं और अनुसंधान, TB डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर ये पटना में देखने को मिलेगा, बिहार शोध संस्थान आपको पटना में देखने को मिलेगा, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट अगमपुर कुआ पटना में देखने को मिलेगा। अगर अन्य शिक्षा केंद्रों की बात करें विशेष वर्ग हेतु, तो आपने देखा होगा नेत्रहीन विद्यालय कदम कुआ पटना में देखने को मिलेगा, बालिका विद्यापीठ लखीसराय में मिलेगा, भारतीय नृत्य कला मंदिर ये पटना में देखने को मिलेगा, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ये पटना में देखने को मिलेगा, चित्र और मूर्ति कला विद्यालय ये पटना में देखने को मिलेगा, AN सिंघा समाज अध्ययन संस्थान ये पटना में देखने को मिलेगा, प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान ये वैशाली में देखने को मिलेगा, मदरसा इस्लामिक समसूल हुदा ये पटना में है, ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल चेंजिंग वैली रोड पटना में है, जेवियर्स फायर सेफ्टी एकेडमी SK पुरी ये पटना में है, मूक बधिर विद्यालय ये भी पटना में है। अगर हम लोग बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों की बात करें हिंदी में, तो सर्वहितेशी ये आपका 1880 में स्थापना हुई थी पटना में, प्रदीप 1969 में पटना से, पाटलिपुत्र टाइम्स 1985 पटना से, नवभारत टाइम्स 1985 पटना से, हिंदुस्तान पटना से निकलता है 1986 से, आज पटना से 1989, दैनिक जागरण ये पटना से, आर्यावर्त ये भी पटना से, इसकी स्थापना 1941 में हुई, अमृत वर्षा ये भी पटना से निकलता है आपका। अगर अंग्रेजी के समाचार पत्रों की बात करें हम लोग तो सर्च लाइट ये आपका 1918 से निकल रहा है पटना से,
हिंदुस्तान टाइम्स पटना से निकलता है, 1986 से निकल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया पटना से 1986 से, इंडियन नेशनल पटना से निकलता है। अगर उर्दू की बात करें तो साथी 1989 से पटना से, सदा ए आम ये भी आपका 1982 से पटना से, इतिहादी ए वतन ये 1940 से निकल रहा है पटना से आपका, ठीक है पटना से। उसके बाद आपकी भाषाएं हैं, इन्हें भी देख लीजिए, इनसे भी क्वेश्चंस बनता रहता है। ये भाषाएं हो गई और जिस क्षेत्र में बोली जाती हैं उनका नाम हो गया, जैसे भोजपुरी, ये आपके भोजपुर, बक्सर, चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, रोहतास, कैमूर में बोली जाती है। मगही ये पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा में बोली जाती है। मैथिली दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल से बोली जाती है, सुपौल में बोली जाती है। अंगिका, अंगिका मैथिली का एक रूप है, ये भागलपुर, मुंगेर, बांका, लखीसराय, जमुई में बोली जाती है। वज्जिका मैथिली का पश्चिमी शैली है, समस्तीपुर, सीतापुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली है। सूर्यापुरी बंगला, असमी, नेपाली, मैथिली का सम्मिश्रण से बनी हुई भाषा है, ये आपकी किशनगंज जिले के डेंडागाछ प्रखंड में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद हैं आपके प्रमुख झरने, जलकुंड, जलप्रपात, कौन कौन से हैं? सप्तधारा, ब्रह्मा कुंड, सूरकुंड, मानक कुंड, मखदूम कुंड राजगीर में स्थित हैं। ये सभी कहाँ हैं? आपके राजगीर में देखने को मिलेंगे। गौमुख कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, सिंगा ऋषि, भरारी, जन्म कुंड, पंचतर कुंड मुंगेर जिले में स्थित हैं आपके। बिहार के जलप्रपात जैसे रोहतास हो गया, गया होगा, नवादा जिले में स्थित है। बिहार का प्रमुख जलप्रपात आपका काकुलत है, ये नवादा जिले में स्थित आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नदियों पर निर्मित सड़क व रेल पुल। महात्मा गांधी सेतु ये गंगा नदी पर है आपका पटना में, सड़क मार्ग है। राजेंद्र पुल गंगा नदी पर है, मोकामा रेल व सड़क मार्ग दोनों है। सोन पुल ये सोन नदी पर है डेहरी में, रेल व सड़क मार्ग दोनों है। अब्दुल बारी बोल पुल ये सोन नदी पर है, कोइलवर रेल व सड़क दोनों मार्ग हैं। बगहा छितौनी पुल ये गंडक नदी पर है बगहा में, रेल व सड़क मार्ग दोनों है। ये पर्यटक स्थलों की बात करें तो पटना में हरमंदिर साहिब विशाल गुरुद्वारा है, गोलघर विशाल विशाल अन्नागार है, खुदाबख्श खां पुस्तकालय ये अरबी और फारसी की बहुमूल्य पुस्तकों का संग्रह है यहाँ। शहीद स्मारक तिरंगा झंडा फहराने वाले 7 शहीदों की समाधि यहाँ। कुम्हरार मध्यकालीन वास्तुकला है। जलान का किला ये संग्रहालय है। पादरी की हवेली प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च है। पटना का संग्रहालय मुगल व राजपूत वास्तुकला का सम्मिश्रण यहाँ देखा जाता है। सदाकत आश्रम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास है। सैफ खां की मस्जिद, मस्जिद जहांगीर के पुत्र शाहजहां द्वारा स्थापित है। सोनपुर का मेला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है यह। मुंगेर अंग साम्राज्य का केंद्र, हिंदू मंदिर, वरारी बरारी गुफा, बहलगांव का मंदिर, महा मंदार पहाड़ी है। गया ये हिंदू धर्म स्थल है, विष्णुपाद मंदिर है यहाँ। बोध गया गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ, बौद्धि वृक्ष भी आपका यही है। वैशाली भगवान महावीर जी का जन्म स्थल है, लिच्छवियों का गणराज्य भी रहा है। नालंदा प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की खंडहर है यहाँ नालंदा में। राजगीर आपका गर्म जल स्रोत, हिंदू जैन बौद्ध तीर्थ स्थल भी है। पावापुरी जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का निर्माण यहाँ स्थल। मनेर सूफी संत पीर हजरत मखदूम याहिया मनेरी की दरगाह है। बिहार शरीफ मुस्लिम संत पीर मखदूम शाह शरीफुद्दीन का मकबरा है। सासाराम शेरशाह सूरी का किला व मकबरा है आपको सासाराम बिहार में आपके
शेरशाह सूरी का मकबरा है और इसका किला भी। बरौनी, यहाँ तेल शोधन शाला भी है, रेलवे जंक्शन भी है। वाल्मीकि नगर गंडक बांध परियोजना के समीप स्थित नवीन नगर है, पश्चिमी चंपारण जिला। भागलपुर, ऐतिहासिक नगर है और बरारी के गुफाएं हैं। अजगैबीनाथ का शिव मंदिर भी है। पूर्णिया, पूरण देवी का मंदिर है पूर्णिया। भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ है, महर्षि में ही जन्म स्थान है इसका। बन मनखी, सहरसा तारापीठ है यहाँ महेशी। अब बात करते हैं महान पुरुष उनके संबंध स्थान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके प्रथम राष्ट्रपति साहब थे, ये आपके यहीं से थे, जीरादेई सारण से। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, भोजपुर। जयप्रकाश नारायण सीताबद्धी यारा छपरा से। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ही आपके लालू नीतीश लोग ये उभरे थे, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह बिहारी केसरी भोर मुंगेर से हैं। मंडन मिश्र महर्षि सहरसा से। महाकवि विद्यापति बिस्पी दरभंगा से हैं। महावीर स्वामी कुंडग्राम वैशाली से। कौटिल पाटलिपुत्र से हैं। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र। शेषासुरी सासाराम, शेषासुरी कहाँ से था, सासाराम से संबंधित। रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया बेगूसराय से। अशुघोष पाटलिपुत्र गुरु गोविंद सिंह पटना। जानकी वल्लभ शास्त्री मेघरा गया से। फणीश्वरनाथ रेणु उराही हिंगना अररिया से। मोहनलाल महतो बिरयोगी ए गया से। राजा राधिकारमन प्रसाद सिंह ये सूरपुरा से। शिव पूजन सहाय ये उन्नीस से भोजपुर से संबंधित हैं। विभिन्न धर्मों से संबंधित आपके चर्चित स्थान, जैसे बौद्ध, बौद्ध धर्म हो गया, इससे संबंधित बौद्ध बौद्ध गया, बुद्ध को ज्ञान मिलाते हैं। राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय यहीं है। जैन धर्म से पावापुरी हो गया, पारसनाथ वैशाली चंपापुरी। सिख धर्म से आपका पटना स्थित हरमिंदर साहिब। हिंदू धर्म से गया पिंडदान यहाँ होता है। राजगृह वासुकीनाथ, जानकी धाम, वाल्मीकि नगर, अजगैबीनाथ, ये आपके हिंदू धर्म से संबंधित हैं। कुछ प्रमुख विभूतियों के चर्चित नाम हैं, जैसे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें आप लोग देश रत्न भी कहते हैं, अजात शत्रु भी कहते हैं, संत राष्ट्रपति भी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को आप लोग लोक नायक साहब के नाम से जानते हैं, जेपी के साहब के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहारी केसरी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति बड़े साहब, जगजीवन राम बाबूजी, नागार्जुन बैद्यनाथ मिश्र बाबा के नाम से जानते हैं इन्हें। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि, कुंवर सिंह बाबू के नाम से। विद्यापति मैथिली कोलिया कोकिला। खेल स्थल हो गए ये आपके स्थान हो गए, खेल संबंध आरा। वीर कुंवर सिंह पुलिस स्टेडियम और वीर कुंवर सिंह स्टेडियम, दो स्टेडियम है आरा में। खागोल जगजीवन राम स्टेडियम खागोल। गया में आपका सुब्रमण्यम यहाँ स्टेडियम है। पटना संजय गांधी मिनी स्टेडियम, सचिवालय इंडोर स्टेडियम और मोइनुल हक स्टेडियम, मिथिलेश स्टेडियम, डाक तार मनोरंजन और इंडोर स्टेडियम आपका पटना में देखने को मिलेगा। पूर्णिया की बात करें तो इंदिरा गांधी स्टेडियम, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस स्टेडियम, हाजीपुर में रेलवे स्टेडियम और हाजीपुर स्टेडियम देखने को मिलेगा आपको। कला की अगर हम लोग बात करें तो मौर्य कालीन कुम्हार के विशाल कक्ष 80 स्तंभ के अवशेष यहाँ मिले। वास्तुकला की बात करें तो चमकीली पॉलिश स्तंभ, एकास्म स्तंभ लोरिया, नंदनगढ़ लोरिया अरेराज पश्चिमी चंपारण, रामपुरवा पूर्वी चंपारण और बसाड़ ये वैशाली में। अगर मूर्तिकला की बात करें तो पटना से प्राप्त यक्ष और दीदारगंज की यक्षिणी आदि प्रसिद्ध हैं। गुप्त काल की बात करें तो मथुरा शैली से प्रभावित सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की काश्मीका। पाल कला से बात करें, पाल कला की तो पत्थर तथा कांसे की मूर्तियां का निर्माण, धीमन बीड़पाल शिल्पकार बौद्ध धर्म से प्रभावित। अगर मध्यकाल की बात करें हम लोग तो सल्तनत और मुगल शैली, सासाराम का शेरशाह का मकबरा, मलिक बया इब्राहिम का मकबरा, बिहार शरीफ शाह दौलत मनेर का मकबरा।
ये सभी आपके मध्यकाल से संबंधित हैं। उसके बाद आपके अगर प्राचीन की बात करें हम लोग, तो इसमें चित्रकला, पाल चित्रकला, पांडुलिपि चित्रण, दीवार पर चित्रण, अष्ट सहस सरीक और पंच रक्ष पांडु चित्तलिपि, बौद्ध के जीवन के लघु चित्त और तांत्रिक प्रभाव। पटना कलम की बात करें तो पटना कलम, इसमें मुगल और ब्रिटिश प्रभाव, लघु चित्त कागज और हाथी दांत पर दैनिक जीवन के चित्र, प्रमुख चित्रकार रहे हैं सेवक राम, होलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल लाल, ईश्वरी प्रसाद। फिर आपकी मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला भीति चित्र, अरिपन, लोक कला, स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका, दीवार कपड़े, कागज पर चित्रकारी, प्रमुख चित्रकार थे पद्मश्री, सिया देवी, कौशल्या देवी। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया इस समय। बिहार में पिछले लोकगीत की बात करें, लोक नृत्य की, तो भगवान शंकर की प्रार्थना गीतों को एक विशेष राग में गाना नचारी, मिथिला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर गाए गए जाने वाले गीत को लग्नी राग, होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को फाग या फागुआ, चैत के महीने में एक विशेष राग में गाए जाने वाले वियोग श्रृंगार संबंधित गीत को आप लोग चैता कहते हैं। स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत पूर्वी राग है। नगमत अस्फी नामक संगीत की पुस्तक की रचयिता है राजा साहेब। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग बिहार के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कला साहित्य और इतिहास के। तो ये संस्था का नाम हो गया आपका, स्थापना वर्ष हो गई, इसके बारे में जो तथ्य है प्रमुख वो है विशेषता। बिहार रिसर्च सोसाइटी, ये पटना में है आपकी। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। इतिहास, पुरातत्व, सिक्के, मानक विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में शोध कार्य करता है। ठीक है, फिर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये भी आपका पटना में 1919 में इसकी स्थापना हुई। अभिनय कला के विकास हेतु योजनाएं, त्रैमासिक शोध पत्र और साहित्य का विकासन करता है। फिर आपका मैथिली साहित्य परिषद, इसकी स्थापना 1939 में हुई। प्राचीन एवं नवीन मैथिली ग्रंथों का विकासन करता है। फिर आपका बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना में है, इसकी स्थापना 1950 में हुई। अनुसंधान पुस्तकालय और स्थापित परिषद पत्रिका विकसित करता है। फिर आपने सुना होगा काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में, कहाँ है, पटना में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1950 में ही इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय इतिहास और संस्कृति में अनुसंधान कार्यों का निष्पादन करता है। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा में 1951 में इसकी स्थापना की गई। प्राचीन लुप्त विद्या पर अनुसंधान एवं प्राचीन संस्कृत ग्रंथ के अन्वेषण एवं विकासन का कार्य करता है। फिर आपका अरेबिक एंड फारसियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना, इसकी स्थापना 1955 में हुई। अरबी व फारसी में शोध योजनाओं का कार्य के लिए इसकी की गई थी। प्राकृत जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली में 1955 में इसकी स्थापना की गई। जैन धर्म, साहित्य, दर्शन, इतिहास पर शोध कार्य के लिए इसकी स्थापना की गई। कला भवन पूर्णिया में है, इसकी स्थापना 1955 में हुई। ललित कलाओं का प्रचार कार्य करती है। बिहार उर्दू अकादमी 1975 में स्थापना हुई। उर्दू के विकास हेतु पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का संपादन इसके द्वारा किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं नाट्य संस्था और संगठन। ये स्थान हो गया इसका जहाँ है नाट्य संस्था और संगठन। आरा, कामायनी, यवनिका, भोजपुर मंच, युवा नीति, नटी, नवोदय संघ, ये सभी आरा में हैं। औरंगाबाद नाट्य भारती, एक्ट्रस युग गुरु, ये सभी औरंगाबाद में हैं। सुपौल भूमिका, दर्पण कला केंद्र, सूतधार, थिएटरेसिया, मंथन कला परिषद, ये सभी आपकी सुपौल में है। गया, यहाँ आपकी कला निधि, सबनम आर्ट्स, ललित कला मंच, नाट्य स्तुति, ये सभी आपकी गया में मिलेगी। छपरा मयूर कला केंद्र, शिवम सांस्कृतिक मंच, हिंद कला केंद्र, इंद्रजाल, मरोरमा सांस्कृतिक दल, ये सभी आपका छपरा में मिलेगा। जमालपुर रॉबर्ट रिक्रिएशन क्लब और उत्सव, ये सभी जमालपुर
में मिलेगा। दानापुर में बहुरूपिया बहुरंग, नवादा में सुभादी रंग संस्था है, पटना में रूपाक्षर कलानिंकु निंकुज कुंज, कला त्रिवेणी भंगिमा, प्रयास अर्पण अनामिका प्रांगण सरजना माध्यम, पाटलिपुत्र कला निकुंज, विहार आर्ट्स थिएटर, कला संगम, भारतीय जन नाट्य संघ, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगी? पटना में। अगर बेगूसराय की बात करें हम लोग तो जिला नाट्य परिषद, सरस्वती कला मंदिर ये बेगूसराय में, बक्सर नवरंग कला मंच, बेहिया भारत नाट्य परिषद, भागलपुर सरजना, सागर नाट्य परिषद, दिशा फ्रेम आर्ट, आदर्श नाट्य कला केंद्र, अभिनय कला मंदिर, ये सभी आपको भागलपुर में। मुजफ्फरपुर में रंग, महनार में आपका अनंत अभिनय कला परिषद, सुल्तानगंज में जनचेतना और सासाराम में निराला क्लब देखने को आपको मिलेगा। पर ये आपके करा संग्रहालय है, क्या है? संग्रहालय। देखिए इन्हें भी देख लीजिए, इनके नाम हो गए संग्रहालय के, स्थापना वर्ष हो गई और विशिष्टता हो गई इसके बारे में। पुरातात्विक संग्रहालय ये नालंदा में है, 1917 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर गुप्त और पाल कालीन पुरावशेष यहाँ देखने को मिलेंगे। पुरातात्विक संग्रहालय ये वैशाली में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई। मौर्यकालीन से पाल काल तक के अवशेष मिले हैं। पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया 1956 में इसकी स्थापना हुई। बोधगया में उत्खनित मूर्तियां पुरावशेष यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। चंद्रघाटी संग्रहालय दरभंगा में है, इसकी 1957 में स्थापना हुई। धातु लकड़ी मिट्टी और हाथी दांत के ऐतिहासिक अवशेष और पांडुलिपियाँ देखने को मिली। गया संग्रहालय गया में है, 1952 में इसकी स्थापना हुई। मध्यकालीन काले पत्थर की मूर्तियाँ सिक्के एवं पांडुलिपियाँ देखने को मिलती हैं। नवदा संग्रहालय ये नवादा में है, 1974 में इसकी स्थापना हुई। पालकालीन और सल्तनत कालीन पुरावशेष देखने को मिलेंगे यहाँ। पटना संग्रहालय पटना में 1917 में स्थापना हुई। प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा, मौर्यकालीन से पाल काल तक के प्राचीन अवशेष, जीवाश्म वृक्ष, मुगल चित्रकला एवं पटना कलम के सुंदर नमूने और सुंदर कांस की प्रतिमाएं यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अब है आपके पुरा पुस्तकालयों का नाम है, ये राज्य पुस्तकालय हो गए, जिस वर्ष में इसकी स्थापना हुई वो वर्ष हो गया इसका, ठीक है। खुदाबख्श उर्दू लाइब्रेरी पटना में, इसकी स्थापना की बात करें तो 1891 में स्थापना की गई। कब? 1891 में। पूड़िया ये आपका 1992 में बनाया गया, 52 में, 92 52 52 में, ठीक है। प्रमंडलीय पुस्तकालय की बात करें हम लोग तो भगवान पुस्तकालय भागलपुर में 1913 में, सोहद पुस्तकालय मुजफ्फरपुर में, लक्ष्मेश्वर पब्लिक पुस्तकालय दरभंगा में 1919 में इसकी स्थापना हुई। प्रमंडलीय पुस्तकालय गया में 1955 में, प्रमंडलीय पुस्तकालय सहरसा 1954 में स्थापना हुई। श्री नंदन पुस्तकालय छपरा 1935 में इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं विशिष्ट पुस्तकालय। शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज में 1914 में इसकी स्थापना हुई। गेट पब्लिक लाइब्रेरी पटना 1916 में, प्रभावती महिला पुस्तकालय पटना 1973 में, गोपाल नारायण पुस्तकालय पटना में 1912 में, भैत रामशरण दास पुस्तकालय समस्तीपुर में 1939 में, श्री हिंदी पुस्तकालय सराय नालंदा में 1924 में, ज्ञान निकेतन पुस्तकालय सीतामढ़ी में 1946 में, घाटापूरक अनुदानित पुस्तकालय सिंघा लाइब्रेरी पटना में है 1924 में इसकी स्थापना हुई। श्री कृष्ण सेवा सदन मुंगेर में 1959 में इसकी स्थापना देखने को मिली आपको, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात कर लेते हैं, मंदिरों की बात करते हैं। सबसे पहले बोधगया मंदिर,
गया में है, महावीर मंदिर पटना में, विष्णुपद मंदिर गया में, सूर्य मंदिर देव औरंगाबाद में है, पटना देवी मंदिर पटना में, अरेराज मंदिर पूर्वी चंपारण में देखने को मिलेगा, काली मंदिर बेतिया, जल मंदिर पावापुरी, राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी, पार्श्वनाथ मंदिर पार्श्वनाथ, नागेश्वर का नाथ मंदिर सीतामढ़ी, हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर में, अरण्य मंदिर आरा में, माधवेश्वर मंदिर दरभंगा, पूरन देवी मंदिर पूर्णिया। फिर आपका गुरुद्वारा, गुरुद्वारा की बात करें तख्त श्री हरमिंदर पटना सिटी, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा गाय घाट पटना में, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा पूर्णिया में, गुरु का बाग पटना सिटी, मुंगेर गुरुद्वारा मुंगेर में, गुरुद्वारा हांडी साहिब दानापुर, सासाराम गुरुद्वारा सासाराम में, गुरु सिंह गुरुद्वारा गुरु द्वारा सभा ये गया में, गुरुद्वारा मैनी संगत संगत पटना सिटी में, ठीक है। उसके बाद मस्जिदों की बात करेंगे हम लोग, तो पत्थर की मस्जिद पटना में देखने को मिलेगी, शेरशाह सूरी मस्जिद पटना में है, अकबरी मस्जिद मनेर में, सासाराम जासा मस्जिद जामा मस्जिद सासाराम में, पत्थर की मस्जिद वैशाली में, शाही मस्जिद हाजीपुर में, झगड़ुआ मस्जिद दरभंगा में, संगी मस्जिद फुलबारी शरीफ में। फिर आपके गिरजा बिप्टिस्ट या आपकी क्राइस्ट चर्च समाहरणालय या पथ ये घटना में, क्राइस्ट चर्च भागलपुर, बैप्टिस्ट चर्च ये बाकरगंज पटना में। कैथोलिक की बात करें हम लोग, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सेंट जोसेफ चर्च बांकीपुर पटना में, सेंट थॉमस दी अपार्सल चर्च गया में, सेंट हेलेन चर्च बाड़ में, सेंट फ्रांसिस असीसी चर्च मुजफ्फरपुर में, सेंट जोसेफ चर्च जमालपुर, सेंट स्टीफन दानापुर में, अवर लेडी ऑफ सरोज सरोज चर्च ये आरा में, ब्लेसेड वर्जिन मेरी चर्च ये बक्सर में, नेटिविटी ऑफ द दी बी भी एम बेतिया में, सेंट जोसेफ द दी वर्कर चर्च ये नवादा में देखने को मिलेगी। फिर आपकी सुप्रसिद्ध वस्तुएं, हाजीपुर में आपका केला चीनिया केला, गया में तिलकुट, मुजफ्फरपुर में आपको चीनी फेमस मिलेगी, भागलपुर में सिल्क का कपड़ा चूड़ा, सासाराम में सिलवट्टा, बक्सर में सोहन पापड़ी बेसन की मिठाई, मनेर पटना आरा की मध्य लड्डू फेमस है, बेहिया भोजपुर यहाँ पूरी हाथ कान बाली, बाड़ यहाँ लाई रामदाना में खोए को मिलाकर बनाई जाती है, जमुई रसगुल्ला, उदवंत नगर आरा में खुरमा पीपरा, सुपोल बसिलाव खाजा, मैदे की मिठाइयाँ देखने को मिलेगी आपको। मिथिला में आपको दरभंगा मधुबनी में दही फेमस मिलेगा, छपरा में लिट्टी सत्तू वाला लिट्टी चोखा, आप सुनते हैं ना लिट्टी चोखा, जब भी चुनाव का टाइम होता है तो कई नेता आपके जाते हैं लिट्टी चोखा खाने, वही लिट्टी चोखा है, ठीक है। अब विशिष्ट पुरस्कार देख लेते हैं और उनके क्षेत्र देख लेते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र सम्मान, ये बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, क्या है साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है बिहार में। आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, चाणक्य पुरस्कार राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, विद्यापति पुरस्कार हिंदी में लोक साहित्य में दिया जाता है, मंडन मिश्र पुरस्कार ये धर्म और दर्शन में दिया जाता है, केदारनाथ मिश्र पुरस्कार काव्य के क्षेत्र में दिया जाता है, उपेंद्र महारथी पुरस्कार ये कला और शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है, गोपाल सिंह नेपाली नवगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, रामबेक्ष बेनीपुरी पुरस्कार नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में दिया जाता है, शिव पूजन सहाय पुरस्कार ललित निबंध संस्मरण यात्रा वितांत के क्षेत्र में दिया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार ये विधि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार आंचलिक कथा कीर्ति में दिया जाता है, अमरनाथ झा पुरस्कार बाल साहित्य में दिया जाता है, किसमें बाल साहित्य में। प्रमुख साहित्यकार उनकी कृतियां हैं बाणभट्ट कादम्बरी हरचरित चंडी शतक, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर
उर्वरिषी रेणुका हुंकार रश्मि रति परशुराम की प्रतिज्ञा ये सभी आपकी रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं या इनकी रचनाएं। फणीश्वरनाथ रेणु मेला आंचल जुलूस पटलू बाबू रोड दीप तपा देवकीनंदन खत्री चंद कांतरा संतति काजर की कोठरी भूतनाथ नौ लखाहार। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें जो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा की इंडिया डिवाइडेड चंपारण में सत्याग्रह बापू के कदमों में ये सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरुष और नारी इनकी कृति है। डॉक्टर कुमार बीमल मूल और मीमांसा सर्जना के स्वर अंगार्स ये संपुट सीपी के योग मानव बापू ये अभंग अनुभव अमृत सौंदर्य शास्त्र के तत्व ये सभी डॉक्टर कुमार बिमल के हैं। ठीक है फिर आर्यभट्ट आर्यभट्ट की कृति का नाम है आर्यभट्ट संस्कृत में है। वाचस्पति मिस भाष्य भावती भामती ब्रह्मा सिद्धि के टीकाकरण इनके थे। अश्वघोष महायान सिद्धोत्पाद संग्रह बुद्ध चरित और वज्र सूची ये अश्वमेघ साहब के। चाणक्य अर्थशास्त्र रामबक्ष बेनीपुरी आम्रपाली माटी की मूर्तें चित्ता के फूल और संगमिता विद्यापति पदावली कीर्तिलता कीर्ति पताका वात्स्यायन कामसूत्रम मंडन मिश्र भाव विवेक विवेक विधि विवेक। फिर आपके ज्योति ठाकुर ज्योतिषर ठाकुर दर्शन रत्नाकर वर्ण रत्नाकर दाऊद चंदायन विष्णु शर्मा पंचतंत्र हितोपदेश बाबा नागरुज बटेश्वरनाथ पारो बल वनमा रतिनाथ की चाची। फिर आपके शिव सागर मिश्र दूध दूब जन्म छाई राहुल सांकित्यायन दर्शन दिग्दर्शन बुद्ध चर्या विनय पिटक और धम्मपद नलिन बिलोचन शर्मा दृष्टिकोण मापदंड बिस्के दांत साहित्य का इतिहास दर्शन इनकी कृतियाँ। केदारनाथ मिश्र प्रभात ज्वाला केकई ऋतुवंश विक्रिया इनकी कृति है। जानकी वल्लभ शास्त्री इनकी कृति की बात करें हम लोग तो काकली गाथा मेघ गीत अवंतिका चिंताहास त्रिमी पृष्ठ हंस बुलाया मन की बात एक किरण सौ झाइयाँ दो तिनके का घोंसला अश्व बुद्ध अशोक वन सत्काम जिंदगी आदमी पिति धोनी देवी नीलगिरी झील पाषाणी तमसा इरावती राधा आदि इनकी कृति हैं। साद अजीमाबादी नक्शे पायदार इनकी कृति है। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार थे उनकी रचनाएं। इससे भी आपके क्वेश्चंस कई बार बन चुके हैं। 11 अगस्त 1942 के गोलीकांड में शहीद छात्रों के नाम हैं। ये नाम हो गए पिता का नाम हो गया ग्राम हो गया और जिला हो गया जिस स्कूल के छात्र थे उनका नाम हो गया। उमाकांत प्रसाद सिंघा इनके पिता का नाम राजकुमार सिंघा था और ग्राम था नरेंद्रपुर सारण जिला का है ये ग्राम। और राममोहन राय सेमिनरी का नौवीं का छात्र था ये। ठीक है रामानंद सिंह ये लक्ष्मण सिंह इनके पिता थे शहादत नगर के थे पटना जिला में। राममोहन राय सेमिनरी का नौवीं कक्षा का छात्र था। ठीक है फिर है आपकी सतीश प्रसाद झा इनके पिता का नाम था जगदीश प्रसाद झा खड़हरा के थे भागलपुर के जिला था इनका। ये पटना कॉलेजिएट स्कूल का दसवीं का छात्र था। जगपति कुमार सुखराज बहादुर का पुत्र था खराटी के थे खराटी औरंगाबाद का है। बीएन कॉलेज के द्वितीय वर्ष का छात्र था। देवीपद चौधरी देवेंद्रनाथ चौधरी का बेटा था जमालपुर के रहने वाले थे मुंगेर जिला का गांव है। मिलर हाई स्कूल के नौवीं का कक्षा का छात्र था। राजेंद्र सिंह शिवनारायण सिंह इनके पिता का नाम था बनवारी चक्के का था सारनगा जिला का। पटना हाई स्कूल के मैट्रिक कक्षा का छात्र था। राम गोविंद सिंह देवकी सिंह इनके पिता का नाम दशरथ गांव का था पटना
जिले में पोनपोन हाई स्कूल की 9वीं कक्षा का छात्र था। अब बात करते हैं बिहार के प्रथम, जैसे राज्यपाल हो गए, इस तरह के जीके भी पूछ लेता है। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, पहले राज्यपाल कौन थे बिहार के? जयराम दास दौलत राम। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह थे, 1946 से 61 के बीच रहे। सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण ही रहे हैं, 1946 से 61 तक। सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री ए सतीश कुमार सिंह रहे हैं। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता है आपको एमपी बिहार ऐसे कुछ स्टेट हैं जिनसे क्वेश्चंस मतलब अपने स्टेट से बहुत पूछे जाते हैं। एमपी में तो आप सभी परिचित हैं कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपके वही 50 के करीब, 50 55 कभी कभी 57 क्वेश्चन तक एमपी स्पेशल से ही पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन्हें अगर इस स्टेट की अगर कोई परीक्षा आप दे रहे हैं तो इन्हें देख लेना। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करें तो अब्दुल गफूर थे, 1973 से 75 तक। प्रथम महिला मुख्यमंत्री रावड़ी देवी। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1957 से 62 के बीच। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति स्वर्गीय रणधीर वर्मा थे। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति थे, कौन थे? विद्यापति। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी था शेरशाह, 1540 में। आपको पता होगा कि इसका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में। बिहार पर सर्वप्रथम विजय पाने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी था। सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेष आपके चिरान छपरा में हुई। बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर पटना है। बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिहार का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। क्षेत्रफल में भी आपका सबसे छोटा जिला शेखपुरा है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे आगे शिवहर है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और वैसे भी आपको पता होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, राज्यों की बात की जाए तो प्रथम नंबर पर है। अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला की बात करें तो कैमूर भभुआ है, 488 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका गोपालगंज है, 1021 है यहाँ की लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, यहाँ 876 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, 73.37%। वैसे मामले में सबसे कम है यहाँ साक्षरता बिहार में। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपने देख लिया, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है, 51.08% यहाँ की जनसंख्या पढ़ी लिखी है। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज है, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर है, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तुहे पेहरी चढ़े वो, पेहरी चढ़े वो, ये आपकी भोजपुरी भाषा है, देख लीजिए। बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा, इसके निर्देशक थे गिरीश रंजन। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक रोहतास है, क्या है? रोहतास है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम बिहारी थी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर साहब। एक बात आप लोग समझ लीजिए, बहुत मेहनती होते हैं बिहारी लोग, इसमें कोई शक नहीं ना दोहरा है कि आप उन्हें कम मेहनती माने, पिछड़ा हुआ अलग बात हो जाती है, लेकिन अब
मेहनती लेकिन बहुत हैं, इतना सीखिए। भारत में प्रथम, बिहार के संदर्भ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग जानते हैं, ये बिहार के ही निवासी थे। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपके बिहार के रहने वाले थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी आपके बिहारी थे। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल एस पी सिन्हा 1921 की बात है, ये भी बिहारी थे। भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट, ये भी साहब आपके बिहारी थे। पहला लिखित अभिलेखत लेखगत साक्ष्य बिहार के बिहार में है, अशोककालीन। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, लखनऊ में 1936 में हुई थी इसकी प्रथम बैठक, तो ये भी आपके बिहारी ही थे। सबसे भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल ये है आपका अब्दुल बारी पुल, कोयला और सोन सन्नदी पर है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल गांधी सेतु पटना में है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार में लगता है। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार में हुआ था 1917 में, यहीं से आपके गांधी जी भारत में फेमस होने पर चालू हुए। अगर उद्योगों की बात करें हम लोग तो केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्रबंध के भारी उद्योग तेल शोधक कारखाना बरौनी स्थापन, इसकी स्थापना 1964 में हुई। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये पटना में है। सार्वजनिक प्रबंध राज्य सरकार के अधीन उद्योगों की बात करें हम लोग तो बिहार स्टेट हैंडलूम पावरलूम हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के नवीन औद्योगिक संस्थान की बात करें नायलॉन उद्योग भोजपुर, ट्रांसमिशन टावर जड़ी जसीडी बिहार फार्नर्स गया में है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग बिहार में राज्य शासन के अधीन औद्योगिक उपक्रमों की बात करें तो बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट हैंडलूम पावरलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये पटना में। बिहार स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड ये पटना में। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड पटना में है आपका। बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी पटना में। एक पटना बहुत बड़ा शहर है यहाँ का, इसलिए जो भी है पटना। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट वाटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में। बिहार स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में। बिहार स्टेट माल स्मॉल लेदर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना। बिहार स्टेट टैक्सेस टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना। चीनी उद्योग की बात करें हम लोग तो आपका चीनी उद्योग मीरगंज समस्तीपुर सीवान कटियागंज दरभंगा मुजफ्फरपुर मनखी सारण मझौलिया बेटा गोपालगंज शाहबाद गया पटना बेतिया महाराजगंज गुरोर मडोडा हरिनगर वारसलीगंज लोहट रयाम मोतीपुर बहरानपुर। फिर आपके अगर हम लोग आगे सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो गया फुलवारी शरीफ बक्सर डुमराव मुकामा और मांझी पटना मुजफ्फरपुर मुंगेर भागलपुर किशनगंज। रेशम उद्योग टसर रेशमी भागलपुर और गया। इरी रेशम सकरापूसा रोसरा गोगरी। कच्चा रेशम पूर्णिया कटिहार
मनोहरपुर, जूट उद्योग कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, चंपारण। तंबाकू उद्योग दिलवारपुर, मुंगेर में है, पटना, गया, झाझा, लखीसराय, जमुई, बिहार शरीफ, मानपुर, आरा, बक्सर, महनार, शाहपुर, अयोध्यागंज, बाजा। कांच उद्योग पटना में। शराब उद्योग सुल्तानगंज, मानपुर, मुंगेर, पंचरुखी, मडोडा। चमड़ा उद्योग की बात करें तो दीघा, मोकामा, बाटा कंपनी का, और गया में भी है। लकड़ी के कारखाने की बात करें, पटना, भागलपुर, नरकटियागंज, जोगबनी, बैरगनिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कटिहार। कागज और लुगदी उद्योग की बात करें तो समस्तीपुर, बरौनी, पटना। अगर लोहे उद्योग की बात करें तो गया, पूर्णिया। अगर हथकरघा वस्त्र उद्योग की बात करें तो गया, पटना, मधुबनी, बिहार शरीफ, भागलपुर, मुंगेर, दाऊदनगर, ओबरा, मऊ। खनिज संपदा की बात करें तो आपका सोना आपको करमाटिया मुंगेर में, टिन गया में देखने को मिलेगा, बॉक्साइड औरंगाबाद व मुंगेर जिले में, लिथियम गया में, चीनी मिट्टी भागलपुर मुंगेर, अग्निशय मिट्टी भागलपुर में, अभ्यक गया मुंगेर, नवादा और भागलपुर में देखने को मिलेगी। चूना पत्थर आपका शाहबाद में फैले कैमूर के पठार में, चुनाई टन रामडेहरा, बहुलिया, रोहितासगढ़ और बंजारी, शाहबाद। गंधक की बात करें तो अजमोर, शाहबाद, कसिया और योगी माह कोर कैमूर पहाड़ियों में, डोलोमाइट आपका शाहबाद में देखने को मिलेगा आपको। तो ये थी बिहार की स्थिति आपकी, और अच्छे से इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या करना है, अच्छे से आपको इतना ही पॉइंट रट लीजिए, बाकी अगर आप बिहार के हैं तो फिर आप तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन एक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे यहाँ के, ठीक है।